हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम अपने बचाव में, स्वयं के बचाव में कब सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो सामने वाले की आपको हत्या करने का अधिकार भी है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है। तो वो इसको हम अधिकार नहीं कहते हैं, इसको एक तरह का हम डिफेंस कहते हैं जो हम बचाव में ले सकते हैं कि हमने कोई एक्ट किया जिससे सामने वाले की हत्या हो गई, और हत्या अगर हो भी जाती है तो भी हमें कोई सज़ा नहीं होगी। तो ऐसा क्या है और किन किन सिचुएशंस में ऐसा होगा कि हम हत्या कर दें तो भी हम लायबल ना हो हत्या के लिए, मर्डर के लिए हम लायबल ना हो, तो ऐसा क्या है। तो IPC जो कि इंडियन पिनल कोड जिसको कहते हैं, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 100, जो कि बात करता है कि आप सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं खुद की बॉडी को बचाने के लिए। और एक सेक्शन है 103 103, इंडियन पिनल कोड का ही, वो बात करता है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी उसको बचाने के लिए आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। तो खुद की बॉडी का मतलब तो आपका ये शरीर जो है, और प्रॉपर्टी जो है जो आपका कोई भी किसी भी तरह का जो सामान होता है, वो जिसकी कुछ वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों में, आपकी खुद की शरीर को बचाने के लिए और जो सामान है उसको बचाने के लिए, आप किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ जो ग्राउंड्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन 100 के जो ग्राउंड है, जो कि बात करते हैं सेल्फ डिफेंस, अगर हम खुद के लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी के लिए बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी को हार्म होता है तो हम कैसे बचाएंगे। तो उसके लिए है सबसे पहला कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास इस तरह का हथियार है, या सामने वाले की इस तरह की मन की इच्छा है, इंटेंशन उसकी ऐसी है कि वो आपकी डेथ कॉज कर सकता है, वो आपको जान से मार सकता है, उस मान लीजिए कि उसके पास एक तलवार है और वो तलवार आपको दिखा रहा है और आपके सामने आ रहा है, आपको पता है कि अगर तलवार उसने चला दी यहाँ पे तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इस ग्राउंड पे आप अगर उस व्यक्ति को जान से मार देते हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना बचाव कर रहे हैं, सिर्फ ये राइट तभी तक है जब आप अपना बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है जिसके हाथ में तलवार है वो लेके आ रहा है आपके सामने, आपने उसको डराया, धमकाया, या फिर जिस तरह से भी आपने भागने की कोशिश करी, अब आप उससे बच निकले, अब बच चुके हैं, आप पूरी तरह सेफ़ हैं। अब वो पर्सन जब वापस जा रहा है और आप पीछे से जाके अगर हमला कर रहे हैं उस पर, तो फिर ये डिफेंस नहीं मिलेगा। ये डिफेंस ही तब मिलेगा जब आप पे ऐसा लगे कि अब मेरी मौत होना निश्चित है, मुझे कोई जो अगर उसने तलवार मेरे चलाई तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, तो ही आप उस व्यक्ति की मौत कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तलवार उसके हाथ से छुड़ा लेते हैं, आप छुड़ाएंगे तो छुड़ाने के बाद आप उसको खुद को मार सकते हैं या उसको जख्मी भी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके पास उतना जो उसके पास जो तलवार से जो अपराध वो करने आया, जो वो मारने आया, वो मार ना सके। तो पहला है मृत्यु, अगर आपकी मृत्यु हो रही है, आपको ऐसा लगता है मृत्यु हो सकती है। तो दूसरा ग्राउंड आता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा चोट पहुंचाएगा जिससे आप 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहेंगे, या फिर ऐसी चोट जिससे आपके शरीर का कोई एक हिस्सा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई हाथ यहाँ से अगर काटता है तो वो पूरा हाथ अलग हो जाएगा, और मुझे डर है कि अगर इसने यहाँ से मेरा हाथ काटा, उसके हाथ में तलवार है, दूसरे व्यक्ति के सामने उसने मेरा हाथ काटा, तो मेरा हाथ अलग होना है। तो अगर मुझे ऐसा विश्वास है कि उसके मन में ये है बिल्कुल कि वो आ रहा है मुझे मारने, तो मैं उस व्यक्ति की मौत कर सकता हूँ, उसके मौत के घाट उतार सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ मैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे सिर्फ जो मेरी पावर है, जो मुझे मारने की जो राइट दिया गया है, जो डिफेंस मुझे मिल रहा है उसको मारने का, जो मुझे सेल्फ डिफेंस है, वो सिर्फ उतना ही कि उसको अगर मैं ऐसा हार्म करता हूँ, उसको मैं मारता हूँ, वो उस कार्य को करने से रोक दे, वो जो मेरा ग्रीवियस हर्ट होगा, जो मुझे हाथ काटने वाला व्यक्ति है, तो वो हाथ काटने से रुक जाए, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। इससे अगर ऐसा होता है कि वो मुझे मार रहा है, मतलब जो डिफेंस की बात है वो सिर्फ इतनी कहती है कि आप सिर्फ अपना डिफेंस तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपके पास थ्रेट है, जब तक आपको डर है कि यार अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मुझे 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना सकता है, अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मेरी किसी बॉडी का एक पार्ट जो हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन तभी है जब सामने वाला एकदम परफेक्ट हो के, हाँ अगर इस टाइम मैं उस व्यक्ति को नहीं मारूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर वो सामने वाले व्यक्ति अपने आप ही वापस जा रहा है, वो आपसे नहीं भिड़ पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, वो अपने आप जा रहा है,
फिर आप पीछे से जाके और उसको मारते हैं तो फिर यहाँ पे आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जो पर्टिकुलर जैसा भी ऑफेंस है, अगर आप उसकी डेथ कॉज करेंगे तो मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। उसको आप ऐसी चोट पहुँचाते हैं जो कि 20 दिन से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती रहेगा वो, या फिर उसका किसी बॉडी का एक पार्ट जो है, शरीर का कोई भी हिस्से का जो अंग है वो आप परमानेंट अलग कर देते हैं, एकदम ख़राब कर देते हैं, आँख कान ख़राब कर देते हैं कुछ भी, तो भी आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए आप लायबल हो जाएंगे। तो इसमें आपको सज़ा हो जाएगी, लेकिन जब वो मार रहा है तो आपको सज़ा नहीं होगी। तो मैंने पहला बताया आपको डेथ, दूसरा बताया ग्रीवियस हर्ट, तीसरा है आपको अगर कोई एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि उस कमरे में अगर मैं बंद हो गया तो मैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, जो कि हम पुलिस वालों को जनरली बोलते हैं कि हमें यहाँ से उठा ले गया है, अगवा कर लिया गया है, तो पुलिस वालों से ना किसी पब्लिक ऑफिशियल, किसी भी पर्सन से मैं कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। मुझे कमरे में अगर कोई बंद कर दे और मैं पब्लिक ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँ, मुझे शक है, मुझे लगता है बिल्कुल कि मैं अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो जब वो बंद मुझे कर रहा है तो उस टाइम मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उसको जान से मार दूँ। तो अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि होता है किडनैप करके लेके जाते हैं, तो आपको किडनैप करके लेके गया है कोई व्यक्ति और उसके बाद वो कमरे में जब बंद कर रहा है तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं अपने बचाव के लिए, जिससे आप वो कमरे में बंद ना रह पाएं। तो तीसरा ग्राउंड ये हो चुका है। उसके बाद चौथा आता है, कोई अगर महिला किसी कोई महिला का कोई व्यक्ति रेप करना चाहता है, रेप कानून में सिर्फ महिला का होता है, तो अगर किसी महिला का कोई व्यक्ति रेप करना चाह रहा है, तो अगर रेप करना चाह रहा है या अटेम्प्ट जैसा भी कर रहा है, तो उस टाइम में भी वो महिला जो है वो इस तरह का कोई एक्ट करती है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो सकती है और वो कर देती है, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी, वो अपने डिफेंस में कर रही है, वो बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति को मार सकती है। तो ये सिर्फ इतना टाइम तक रहेगा जिस टाइम तक आप पे अटेम्प्ट हो रहा है रेप। ऐसा नहीं है कि वो रेप करके कर दिया है और फिर वो जा रहा है और फिर आप उसको डेथ कॉज कर रहे हैं, वहाँ पे ये नहीं होगा। सिर्फ ये है कि जब आपके रेप अटेम्प्ट हो रहा है। फिर मैंने आपको चार ग्राउंड बता दिए, एक बताया डेथ, एक बताया ग्रीवियस हर्ट, एक बताया मैंने रेप, एक बताया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो आपको कमरे में बंद करने वाला था। फिर एक आता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति एसिड जो होता है वो आप पे फेंकना चाहता है या उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा है, प्रिपरेशन मतलब कोई आपको पता है कि एसिड मेरे ऊपर फेंकेगा और ये इस दुकान से जाके खरीद रहा है, तो आपको जैसे ही पता लगता है तो आप उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकते हैं, बिल्कुल आपके पास पूरा अधिकार है, आपको यहाँ डिफेंस मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके ऊपर एसिड आता है तो ये एक आपके लिए ग्रीवियस हर्ट तो होना ज़रूरी, बिल्कुल मान लीजिए कि आपकी जो शरीर है वो ख़राब होना 100% है, बिल्कुल होगा ही होगा, तो आपके पास इस ग्राउंड पे भी आप सामने वाले व्यक्ति को मार सकते हैं। एक ग्राउंड अब मैंने पांच बता दिए, छठा ग्राउंड है किडनैप या अबडक्ट करता है कोई आपको, कोई आपको बहला फुसला के ले जाता है या कोई आपको किडनैप करके, जो से हम देखते हैं मूवीज़ में कि वो किडनैप करके ले जाते हैं और फिर फिरौती जो अमाउंट है वो मांगते हैं, रैनसम जिसको कहते हैं, तो अगर कोई किडनैप करके आपको ले जा रहा है, जैसे किडनैप किया आपको गाड़ी में बैठाया, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो उस गाड़ी में भी अगर आप किसी लोगों जो भी किडनैपर्स जो हैं उनको मार देते हैं जान से, तो भी आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको डिफेंस मिलेगा 100%। और लास्ट ग्राउंड जो है कि कोई अगर आपको अननेचुरल ऑफेंस करता है किसी आपके साथ, इंटेंशन है किसी व्यक्ति की जो आपके साथ अननेचुरल ऑफेंस करे, अननेचुरल ऑफेंस का मतलब क्या है, आईपीसी का जो सेक्शन है 377 जो बेसिकली बात करता ही था अननेचुरल ऑफेंस की, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जजमेंट ये दिया था 370 के लिए, कि जब उसको हटाया था कि 370 जो है वो कंसेंट अगर आप देते हैं, मतलब आप आपकी सहमति के साथ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सहमति नहीं देता है तो जो अननेचुरल जो चीज़ है आप उसको अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं तो जो अननेचुरल है, बिल्कुल जो नेचर के अगेंस्ट है, कोई ऐसा एक्ट जो नेचर के अगेंस्ट है आप वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पास अधिकार है, जिस व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा कुछ करता है तो आपके पास अधिकार है, आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। तो ये हुआ है जो है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो, या आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हुआ है कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो है, आपको ह्यूमन बॉडी पे कोई इस तरह का कार्य करता है तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो अभी जो प्रॉपर्टी वाला है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो थैंक यू।